आदाब आप तमाम लोगों को दिल्ली में ठंडी सुबह में आप तमाम लोग यहाँ पर जुटे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और अब जावेद साहब हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कि हिंदुस्तानी सिनेमा के पर्दे पर उर्दू शायरी का सफ़र कैसा रहा है, आज हालात क्या हैं, क्या वो दौर था और अभी हम कहाँ पे हैं। तो जावेद अख्तर साहब, जाहिर है कि किसी तरह की कोई इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मशहूर गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, शायर भी हैं। और जावेद साहब ख़ुद कहते हैं कि जब उन्होंने विरासत में उन्हें मिली अदब, उन्हें तहजीब, लेकिन अपनी ज़िद बगावत से उन्होंने शोहरत और दौलत और नाम कमाया। और अगर वो चाहते तो बहुत पहले शेर कह सकते थे, पर शेर ना कहना एक तरह से उनकी विरासत से उनकी बगावत थी। और जब उन्होंने शेर कहना शुरू किया तो उस बगावत या उस विरासत से उन्होंने समझौता कर लिया। जावेद साहब, तो आप जब फिल्मों में आए थे तो आपने बतौर डायलॉग राइटर और फिल्म लिखने के तौर पे शुरू किया, लेकिन शायरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आई इस सफ़र में। तो शायरी जब आपने शुरू की फिल्मों में, जब आपने गीत लिखने शुरू किए, तो वो क्या वक्त और क्या वजह थी या कैसे वो शिफ्ट हुआ? देखिए, मैंने पहला शेर जो खुद लिखा है, मतलब लिखा है, वो मेरे ख़्याल से 1978 में। और एक दो तीन साल से मैं शायरी कर रहा था, लेकिन एक तरह से क्लोसेट पोइट था, इसलिए कि छपवाता नहीं था, कहीं भेजता नहीं था। कुछ लोग थे, एक महदूद सा हलका था जिन्हें मैं सुनाता था अपनी शायरी, और बाकी मेरे पास रहती थी। अब उन लोगों में, वो जो चंद लोग थे, उनमें से एक थे यश चोपड़ा साहब भी। और एक दिन 80-81 में वो मेरे पास आए और कहने लगे कि ये जो नया मेरी फिल्म है उसमें आदाब जी, चलिए एक ही सलाम में तीन चार काम हो गए तो आप गाने लिख दीजिए। तो मैंने तो, हालांकि यश चोपड़ा किसी से गाना लिखने को कहें तो मेरे ख़्याल से कोई भी राइटर भागता हुआ जाए, लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूँगा, मैं शायरी करता हूँ, एक पर्सनल सा मेरा वो है ऐसा, और स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल काम है, मैं इसे भी बाज़ार में नहीं लाना चाहता। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और पीछे ही पड़ गए, और उन्होंने मुझे निकलने का रास्ता ही नहीं दिया। तो फिर मैंने उनकी पिक्चर में गाना लिखा, जो पहला गाना ज़िंदगी का है वो देखा है ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए लिखा, और फिर वो मुँह से खून लग गया तो फिर मैं लिखने लगा। जावेद साहब, उर्दू जो है, बहुत लोग ये शिकायत रहती है कि उर्दू जो है वो अब एक तरह से ख़त्म हो रही है, ख़ास करके हिंदुस्तानी फिल्मों में, जो ज़ुबान गाने की ज़ुबान है, जो तो वो क्या है वो पता नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सएप की ज़ुबान हो गई है। और ये भी कहा जाता है कि चूँकि पब्लिक ये चाह रही है, और पब्लिक से ज़्यादा अब तो है कि जो नौजवान हैं वो ये चाह रहे हैं, अगर आप कुछ और लिखेंगे तो नौजवान सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो मार्केट नहीं होगा, तो फिर आपके गाना लिखने का फ़ायदा क्या? तो ये तकलीफ़, ये परेशानी आप जैसे लोगों को, क्योंकि पहले का वो दौर था जब साहिर साहब हुए, जानसार अख्तर हैं, कवि प्रदीप हैं, नीरज हैं, शैलेंद्र हैं, ये तमाम लोग, और उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो शायर थे, जिनकी किताबें शाया हुई थीं। और वहाँ से लेके जो ये दौर है, तो उर्दू का वो भी वक्त था जब बिल्कुल बुलंदी भी थी, फिर उर्दू ने एक वो भी दौर देखा जब जवाल था। पर आपको क्या लगता है कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी सिनेमा ने किसी तरह उसकी हिफाजत भी की है, बचाए रखा है उसको? कोई शक नहीं इसमें। देखिए, वो एक मेरी गज़ल का एक मतला है, गज़ल जो अभी गैर मतबूआ है, या तो होशियार करे वरना दीवाना कर दे, या तो होशियार करे वरना दीवाना कर दे, कोई तो काम मुकम्मल ये ज़माना कर दे। तो मसला ये है कि हम मुकम्मल काम कोई भी नहीं करते हैं। अब उर्दू ज़वाल पज़ीर है कि कमाल पज़ीर है, इस पर भी आप बहस कर सकते हैं। एक अजीब बात है, उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उर्दू पढ़ने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, देवनागरी में पढ़ते हैं। उर्दू किताबें पोइट्री की जो देवनागरी में छपती हैं वो इतनी बिकती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है।
اردو شاعری سے آج کل مجھے جتنی لوگوں میں دلچسپی دکھتی ہے وہ اس قدر ہے، اتنی گہری اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں کم نہیں ہوئی ہے، اردو شاعری کی بڑھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی علمیت میں کمی ہوئی ہے، مطلب شعر اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے تو ہیں، تو وہی کوئی کام مکمل نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک وقت تھا کہ جب ہم اردو کا غم کرتے تھے، اب وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں بجلی جب چلی جاتی ہے تو آپ فوراً بیلکنی میں جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اکیلے آپ ہی کی بجلی گئی ہے یا پورا محلے کی گئی ہے، تو شکر یہ ہے کہ پورے محلے کی گئی ہوئی ہے۔ تو ہے یہ کہ ہماری جتنی انڈیجنس زبانیں ہیں، انکلوڈنگ ہندی جو کہ ہماری راشٹر بھاشا بھی، وہ بہت خراب حال میں، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں تو برسوں سے اور دہائیوں سے یہی رہا ہے کہ بھائی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، اور تو کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا تعلیم کا۔ تو ہماری جو لسٹ آف پرائیورٹی ہے اس میں 25-30-40 سال سے میں سمجھتا ہوں لٹریچر پوئٹری پرائیورٹی لسٹ پہ ہی نہیں تھے ہماری ایجوکیشن میں، یا ہمارے ماں باپ جو تھے عام طور سے ان کو کہ بھائی یہ اس سے کیا ہوگا۔ تو وہ جو ہم نے اپنی انڈیجنس لینگویجز کو اگنور کیا، اپنی لٹریچر کو اگنور کیا، پوئٹری کو اگنور کیا، ان کو وہ اہمیت نہیں دی، وہ اب اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ایک عجیب حادثہ ہے کہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول بھیجتا ہے اور کانوینٹ بھیجتا ہے، بھیجنا چاہیے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک سیکنڈ کو اینٹی انگلش نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو آپ انگریزی ٹھیک سے نہیں سکھا رہے تو اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دیٹ وی آر لرننگ انگلش ایٹ دی کاسٹ آف آر اون مدر ٹنگ اور انڈیجنس لینگویج، یہ غلط ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہ ان کے بچے جو ہیں انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں، پوئرسٹ جو پوئر جو ہے وہ نکولا اسکول میں جاتا ہے۔ اب ایکسیپشنز کین بی فاؤنڈ آن بوتھ دا سائڈز، لیکن رول یہ ہے کہ جو بچہ انگریزی میں پڑھا اور سینئر کیمبرج بھی کر لیا اور اس کے بعد وہ کالج میں بھی چلا گیا، اور وہ اس کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، وہ جانتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے ٹرینڈ کیا ہیں، دنیا کی مورل ویلیوز کیا چینج ہو رہی ہیں، استھیٹکس اب کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، ایک براڈر لبرل ایٹیٹیوڈ اس میں آتا ہے۔ لیکن ہی از روٹ لیس، اسے اپنی زبان نہیں آتی، اسے اپنا فوک میوزک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اپنے فوک ڈانسز برے لگتے ہیں، اسے اپنا کھانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا، اس کو کوئی اپنی ہسٹری، اپنی پرمپرا، اپنی ٹریڈیشن، روایت، کہاوتیں، پروورب کچھ نہیں۔ دوسری طرف جو ورنیکولر اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہے وہ ان چیزوں سے کسی حد تک ایکسپوز ہوتا ہے، لیکن ایک تو اس کو کیونکہ اپنی زبان میں دنیا کی کتابیں ملتی نہیں، جو دنیا کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں، ان سے وہ نہ واقف ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ پروکیل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو فائدے میں ہیں لوگ یہ وہ ہیں جو انگریزی بول لیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک اینس بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو تھوڑا ٹیڑھا کرتا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم ایک طرف روٹس بنا رہے ہیں، دوسری طرف برانچز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس پورے پیڑ ہی نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے پورے پیڑ۔ یہ ون ایٹ دا کاسٹ آف ادر از اے بیڈ ڈیل جو کہ ہو رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہو رہی ہے ہمارے گھر کے جو ماحول ہے، ایمبیئنس ہے، اس میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ دکھتا ہے۔ اب آپ شکایت کرتے ہیں کہ فلمیں گانے ایسے کیسے آنے لگے، یہ فلمیں جو ہیں مارس پہ، وینس پہ تو پروڈیوس ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اسی سماج میں ہو رہی ہیں نا۔ تو جو آج ڈائریکٹر جا رہا ہے، جو آج رائٹر جا رہا ہے، جو آدمی فلم بنا رہا ہے، جو میوزک ڈائریکٹر ہے، جو سانگ رائٹر، ان کی علمیت یا ان کی جسے کہیے تیاری، جسے ہم میوزک میں کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی نہیں۔
और शुक्र ये है कि ऑडियंस भी उतनी ही जाहिर है। तो ये है, ये गलत लिखते हैं, वो गलत बनाते हैं और वो गलत सुनाते हैं और सुनने वाले भी आराम से। तो हम आप दो चार लोग हैं जो तकलीफ में हैं, बाकी दुनिया ठीक चल रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ऑडियंस है, यहाँ पर जो सुनने वाले, उन सबको तकलीफ़ होती होगी कम से कम, क्योंकि आप जश्न अदब में आए हैं। तो अगर आप ब्रेकअप सॉन्ग सुन ले कहीं, तो मेरे ख्याल से आपका, आपकी रूह तड़पती होगी कि किस किस्म का है। क्योंकि वो दौर भी था जब शायरी थी, शेर, और उसमें मोहब्बत होती थी और पनपती थी, और अब तो वो वक्त ही नहीं है, बल्कि वो लग्जरी नहीं है वक्त के। और जब तक कि आप इस मुकाम पर पहुँचें, ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप सॉन्ग बनने लगा है। देखिए, मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। मोहब्बत जो है वो हिजर में और जुदाई में पलती है, आरज़ू में, तमन्ना में पलती है, ख्वाब में पलती है। वो जो है ईमेल ने और ये मोबाइल ने वो किस्सा ख़त्म करवा दिया है। अब आप बताइए कि रोमियो के पास अगर मोबाइल फ़ोन होता तो वो गैलरी के नीचे, बैल्कनी के नीचे खड़ा होता, पागल था वो सर्दी में। तो वो जो पाइनिंग है जी, दैट इज गॉन जी। तो उसमें वो जो मिस्टिक था, जो मिस्ट्री थी, वो अब रही नहीं है। इसलिए कि आप फैंटेसाइज ज़्यादा करते थे, होता कम था। तो अब फैंटेसी जितनी खूबसूरत होती है, रियलिटी उतनी खूबसूरत है भी नहीं। जावेद साहब, जिस दौर में आप बड़े हो रहे थे, आपने, अब चूँकि आपके घर का माहौल ऐसा था तो किताबें बहुत पढ़ती, आपने किताबें पढ़ी बहुत, बहुत सारे लोग होंगे जिनका असर होगा आपके ऊपर। आपने कहीं ज़िक्र किया था कि फिराक गोरखपुरी बहुत पसंद है आपको, इब्ने सफ़ी पढ़ा आपने, और बच्चे पढ़ते थे बहुत उस दौर में। लेकिन अब जो है वो किताबों से नाता टूटा है, अब पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जो स्कूल में पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, वो है। तो इसका असर, जो आपने कहा कि आप जड़ तैयार नहीं कर रहे हैं, ब्रांचेज हैं इधर उधर, पत्ते, लेकिन जो जड़ है वो है नहीं। तो ये जो पढ़ाई लिखाई है, उससे जो कटते जा रहे हैं लोग, तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं अदब पे भी, ये चीज़ें शायरी या जिस किस्म के गाने या जिस किस्म के डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं, जो आपने कहा कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। सही है। इसको अब हम यंगर जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों के बारे में बता सकता हूँ, खैर वो अब तो बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन थे कभी। और मेरे कई दोस्त हैं जिनके बच्चों की मैं मिसाल दूँगा आपको, वो पढ़ते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो जिस घर में बच्चों ने देखा है कि किताबें हैं, और ये किताबें इंटीरियर डेकोरेटर नहीं लाया है, बल्कि खुद घर के मालिकों ने खरीदे हैं चुन के। अच्छा, अब ये भी वैसे हकीकत है, ये मजाक नहीं है। मैं ऐसे कई घर जानता हूँ जिनमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, चूँकि ब्राउन कलर की चमड़े की होती है, तो वो फर्नीचर से अच्छा मैच करती है, ब्राउन फर्नीचर। ये हकीकत है, आप समझेंगे कि मैं एक फ़नी बात कह रहा हूँ। तो इस तरह के, या वो रीडर डाइजेस्ट के जो सीरियल होते हैं, तो उनकी वो स्पाइन एक जैसी होती है, तो अगर वो पर्दे के रंग की है तो उसको लेके रैक पे रखा जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ किताबें वाकई ख़रीदी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और उन पर घर में बात होते सुनते हैं कि उसके पेरेंट्स और उनके दोस्त इस किताब के बारे में बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए कि उस वक्त ना पढ़ें, ये एक अजीब बात मैंने देखी है, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैंने शायरी बड़ी लेट शुरू की। जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपके अंदर चला गया है, वो आप उसे रेजिस्ट भी कर लें बहुत दिनों, लेकिन वो फिर निकल के आपको टेक ओवर कर लेगा जी। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को पढ़ते देखा है, घर में किताबें देखी हैं, उस पर बहस देखी है, वो लोग पढ़ते हैं। आमतौर से बच्चों ने घर में किताबें नहीं देखी है, किताबें नहीं होती हैं लोगों के घर में। यहाँ बैठे जो लोग हैं, शायद उन्हें अजीब लगेगा, यहाँ सुबह सुबह आए हैं कुछ अदब और शायरी की बात करने, तो यकीनन आप लोग दूसरी तरह के लोग हैं। लेकिन आमतौर से आप जाइए, जो खाते पीते घर हैं उनमें सब होगा, किताब नहीं होती है, होती नहीं। तो जो आपने उस दौर में, फॉर्मेटिव ईयर्स में जो पढ़ाई की, उसका असर आपको अपने लिखने पे, अपनी सेंसिटिविटी पे, कहानी लिखने में, डायलॉग लिखने में किस किस्म से नज़र आया, उसका फ़ायदा इस पढ़ने लिखने का क्या, कैसे हुआ आपको? देखिए, अगर आप एक आदमी से, एक राइटर से इंस्पायर होते हैं, तो आप प्लेजराइज करते हैं।
जब 200 से होते हैं तो आप रिसर्च स्कॉलर तो शुक्र यह है कि मुझे बहुत सारे लोग बहुत पसंद थे और मैं जब यंग लोगों को राय देता हूँ पढ़ने के बारे में तो मैं उन्हें एक बात ये कहता हूँ कि आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ क्लासिक्स पढ़िए और सीरियस लिटरेचर पढ़िए और बहुत माने खेज जो अदब है उसे पढ़िए, वो ज़रूर पढ़िए, लेकिन साथ में लाइट लिटरेचर भी पढ़िए। आप डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़िए, आप जो पेपरबैक रोमांटिक नॉवेल्स होती हैं आप वो भी पढ़िए, आप थ्रिलर्स पढ़िए, आप जोक बुक्स पढ़िए। होता क्या है कि ये जो संजीदा अदब है ये निगल लेना तो आसान है, हज़म करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आपके निरस होने का भी चांस होता है कि आपने बड़ी संजीदा बातें और आप एक पेडेस्टल पे बैठ गए और बड़ी बड़ी बातें सोचने की कोशिश करने लगे और हर वो बात आपको बुरी लगी जो बड़ी नहीं है आपकी डेफिनेशन में, तो फिर आप निरस हो जाते हैं। तो उस आपके अंदर जो है वो जो एक बचपन का और नौजवानी का खिलंडरापन है वो बाकी रहना चाहिए और वो आप में ये कैपेसिटी रहनी चाहिए कि आप हल्की बातें, बेमाने बातें, कभी कभी एब्सर्ड बातें भी कर सकें। अगर हर वक्त आप बहुत मीनिंगफुल बातें करते हैं तो एक तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है और दूसरे अगर आपको नहीं तो दूसरों को हो सकता है। और आपने जो बात की कि हमेशा बहुत भारी भरकम या बहुत ऐसी चीज़ें जिससे आप एक खौफजदा हो जाएं कि ये बहुत भारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी मिसाल हम उर्दू शायरी हिंदुस्तानी सिनेमा में इसके इर्द गिर्द बात कर रहे हैं तो अगर मुझे शैलेंद्र याद आ रहे हैं कि वो शायद एक्सपर्ट थे कि रोज़मर्रा की जो ज़ुबान या उससे शायरी का निकालना, मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी, अब कितना मशहूर, कैसे तो शैलेंद्र साहब को आप याद करेंगे इस मौके पर, कैसे उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शेर शायरी निकाली खूबसूरती। मैं मजरू साहब को कोट करूँगा, मजरू साहब आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते थे, बहुत मुश्किल से करते थे और मजरू साहब के वो कलीग भी थे और भाई ट्रेड में तो एक तरह से कंपटीटर थे लेकिन ये मजरू साहब की ईमानदारी और ऑब्जेक्टिविटी है और बहुत मैं इस बात का एहतराम करता हूँ। तो कहते थे कि देखो हम लोग शायर हैं जो गाने लिख देते हैं, गीतकार तो सिर्फ शैलेंद्र, और शैलेंद्र जी का तो मैं रिश्ता जोड़ूंगा मीर मीरा कबीर से, वो सिलसिला है कि जहाँ इतनी सादगी से बात कहने की सलाहियत हो कि जैसे अब गाइड में ही उनका वो गाना था मुसाफिर जाएगा कहाँ, तो उसमें एक क्रॉस लाइन है तीन लफ्ज की जिस पे मैं आज तक रश करता हूँ कि तूने तो सबको राह दिखाई तू अपनी मंजिल क्यों भूला, औरों की उलझन सुलझा के राजा क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। ये जो तीन लफ्ज हैं क्यों नाचे सपेरा, ये क्या बात है। तो इस तरह से उनके कितने गीत हैं जिसमें इतनी सीधी सी उतने सिंपल अल्फाज में वो ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन शैलेंद्र हैं, साहिर फासिल से उनसे मिलने का बहुत बार, मैं कितना भी लिख लूँ मैं जिगर मुरादाबादी तो हो नहीं सकता और ना जोश हो सकता हूँ और ना फैज़ हो सकता हूँ ना मजाज हो सकता हूँ, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखना पोइट्री बंद कर दी और मैं गाने लिखता हूँ। उसके बावजूद आपको ये बताऊँ कि वो हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के जितने भी अदबी रिसाले हैं वो सब मंगाते थे और मुझे उन्होंने कितने नए नए शायरों से इंट्रोड्यूस कराया है कि भाई सुनो एक नया शायर है कराची का है अब उसके शेर सुनो तुम, और उनको वो शेर याद रहते थे और वो सुनाते थे। एक शायर है अभी मैं दो रिसालों में देख चुका हूँ उसे, अच्छी गज़लें लिख रहा है उसके शेर सुनाए, तो ही वॉज टोटली अप टू डेट अबाउट पोइट्री। और मेरे ख्याल से हमारे जो कई शायर थे वो फिल्मी मसरूफियात में भूल गए थे रिसाले पढ़ना, मगर उन्हें याद था, वो पढ़ते थे और बहुत ही बाखबर रहते थे। जी हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले, आपने जिक्र किया था जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी हम भूलते जा रहे हैं, या लोकगीत का जो एलिमेंट फिल्मों में है, डीएन मधोक साहब याद आते हैं मुझे जिन्होंने पूरी उस रीजनल लैंग्वेज को फिल्मों में लाया, जुबान बदली इसकी। ये सारे जो चेंजेस हैं ना ये सोशियो इकोनॉमिक होते हैं, ये ऐसे हवा में नहीं होते। एक है लव
बालम या बलमा जी, ये कितना आता था फिल्मों में, अब क्यों नहीं आता, क्या वजह है? रसिया पहले आता था, अब क्यों नहीं आता है? दरअसल ये आप 40s 50s के गाने थे जिनमें ये आता था। 40s 50s में इंडियन फिल्म वर पेट्रनाइज बाय द मिडिल क्लास। गरीब आदमी तो बेचारा, उसके लिए अलग फिल्में बनती थी, स्टंट फिल्में होती थी, वो बोलते थे चवन्नी वालों की और ये वो, एक सब अलग किस्सा था। बेसिकली पेट्रनाइज बाय मिडिल क्लास। थिएटर और सिनेमा हमेशा दुनिया में मिडिल क्लास ही पेट्रनाइज कर। लेकिन 50s और 40s की मिडिल क्लास क्या थी? वो या तो क्योंकि इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं थी, तो प्रोफेशनल होते थे, भाई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, या सिविल सर्विस में है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या मतलब आपका मिडिल क्लास में होना आपकी तालीम की गारंटी था कि आप एजुकेटेड हैं। चलिए एक्सटेंडेड फैमिली होती थी लैंडेड जेंट्री की, जो शहर में होती थी और कस्बे में या गांव में उनका घर भी होता था, शहर में रहते थे, वहां के रिश्तेदार आते जाते थे, ये भी जाते थे दो चार बार, वहां बड़ा मकान था के ठहरते थे, कुछ हुक्म चला के रोब जमा के फिर वापस आ जाते थे शहर। ये जो जेंट्री थी, ये जो मिडिल क्लास थी, इसकी रूट्स या इसके कजन्स गाँव में थे, इसका गाँव से ताल्लुक था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हमने एक सेल्फ सफिशिएंट अर्बन मिडिल क्लास डेवलप की, जो कि नेसेसरीली एजुकेटेड नहीं थी, वो लोग एजुकेटेड ही थे, मगर ये जब 70s 80s 90s में एक नई जनरेशन डेवलप हुई मिडिल क्लास की, जो कि बड़ी इंडस्ट्री की एंसिलियरी से बनी थी। अब भाई एक इंडस्ट्री है, वो साइकिल बनाती है, वो साइकिल के छर्रे उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो आदमी सिर्फ छर्रे बनाता है या वो बनाता है स्पोक्स बनाता है, अब उसके पास पांच आदमी, ये मिडिल क्लास में आ रहे हैं, ये टेक्नीशियन थे, ये एजुकेटेड लोग नहीं थे, या ये एंटरप्रेन्योर थे। धीरे धीरे ये दे स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स, तो वो जो ऑडियंस थी जिसका गांव से ताल्लुक था वो चली गई, उसके साथ बहुत से अल्फाज भी चले गए, उसके साथ बहुत सी ट्रेडिशन भी चली गई, बिकॉज वो समझते थे, उनका रिश्ता था इन अल्फाज से, इस तरीके से वो जानते थे कि रसिया बिरहन बलमा कौन है। अब एक अर्बन लैंग्वेज डेवलप हुई जिसमें इन लफ्जों की जगह नहीं थी। ये लोग फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड थे या एजुकेटेड थे ही नहीं। आप 80s में सिनेमा देखिए कैसा है, 80s में सरकारी घटिया और गुस्ताखी माफ, अडवाणी जी की तकरीरें एक स्टॉक से आए, ये एक ही थैले से निकली हुई चीजें हैं। जो एस्थेटिक्स का लॉस है वो आपको पॉलिटिक्स में भी दिखता है, सिनेमा में भी दिखता है, फिल्म के गाने में भी दिखता है, पब्लिक डिबेट्स में भी दिखता है। फिर थोड़ा संभला था, इसलिए कि इन्होंने अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेजा, कुछ थोड़ा, ये जो वेस्टर्नाइजेशन आया वो सिर्फ स्किन डीप है। अभी पिक्चर्स में बड़ा सोफिस्टिकेशन आपको दिखता है, टेकिंग अच्छी होती है, साउंड बहुत इम्प्रूव्ड है, फोटोग्राफी बहुत बेहतर है, पहले की तो बहुत टैकी होती थी, लेकिन कंटेंट रियल था, कंटेंट जो है मेलोड्रामेटिक हो लेकिन समाज से कनेक्टेड था। आज मेलोड्रामेटिक नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है मगर समाज से कनेक्टेड नहीं है। कोई सोशल इशू आपको सिनेमा में नहीं दिखता है। यू कांट हैव अ दो बीघा ज़मीन, एंड दो बीघा ज़मीन वॉज अ हिट, नॉट ओनली दैट इट वॉज मेड, it was a successful film. I wonder if somebody makes do bigha zameen today, it will run for 5 shows. ji hame kya lena dena hai usko, kya lagan dena tha, kya dena tha, lagan dete hue cricket khele to theek hai, wo chalega, lekin sachmuch ka problem hame nahi dekhna bhai. ya phir ek kachak de india chal gayi, ab wo is tarah beech beech mein filmein aati hain, par wo ek daur tha jab फिल्मों में अदब का बहुत बड़ा हाथ था, यानी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा करीब थी फिल्में, और बहुत सारी कहानियाँ, मशहूर कहानियाँ नॉवेल्स पे फिल्में बनती थी। अब ये फासला बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि सिनेमा बालिग हुआ है, और तब जाहिर है कि एक चाह है कि आप अपनी राह खुद बनाएँ और ख़ुद मुख्तार अदब वहाँ से निकले, पर क्या ये जो फासला बढ़ा है ये एक वजह है इस डिक्लाइन की जो आप बता रहे हैं? क्या है कि अभी रीजनल
फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, मराठी पिक्चरें बहुत अच्छी बन रही हैं। किस्सा ये है कि कोई भी जो अच्छी किताब होगी, अच्छी नावल, अच्छी कहानी होगी, वो अपनी ज़मीन में, अपने कल्चर में रूटेड हो। जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि विराज बहू कहीं की भी है, मालूम नहीं कहाँ की है, वो बंगाल की है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे बात करती है, ये रीत रिवाज है उनके। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो हर एक को प्लीज करना चाहता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक बहुत रीजनल कल्चर में पिक्चर बना चुके, दूसरे एलिनेट हो जाएंगे। तो उनका एक मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बंगाल है, इन सब का कल्चर अलग है, लेकिन एक दूसरे के कल्चर को समझते, ऐसा नहीं है कि कोई ये मार्शियंस हैं एक दूसरे के लिए। उसी तरह एक और स्टेट है इस मुल्क में, उसका नाम है इंडियन सिनेमा, उसका भी अपना एक कल्चर है जी। वो अलग है सारे स्टेट्स के कल्चर से, लेकिन स्टेट्स वाले समझते हैं कल्चर क्या है, और उसमें आर्किटेक्चर भी अलग होता है। वहाँ बड़े ऐसा घर ड्राइंग रूम में एक सीढ़ियाँ आती हैं ऐसे, तो जिसके ऊपर बाप खड़ा होता है गाउन पहन के, कहता है शादी नहीं हो सकती। तो वो जो कल्चर, वो जो ट्रेडिशन है, उसमें हमने कहीं से वही लड़की जो है वो भरतनाट्यम भी करती है, फिर अगली रील में भांगड़ा भी करने लगती है, वहाँ पर कुछ मंगलसूत्र भी होता है, तो कोई दूसरी बंगाल की भी रस्म दिख जाएगी आपको अच्छी लगेगी। तो उन्हें तो वो सब मिला जुला के उन्होंने एक कल्चर डेवलप कर दिया, और वो जो है वो एक्चुअली रूटेड नहीं है। तो कोई अच्छी कहानी आप कैसे बनाएंगे हिंदी में जो लिटरेचर से पहले जो बनती थी, देवर ट्रू टू देयर कल्चर, और उस वक्त जो बंगाली लिटरेचर है वो हिंदी और उर्दू में उस जमाने में टोटली ट्रांसलेट हुआ है जी, जी। और हर आदमी शरद बाबू को जानता था कि कोई आदमी जो हिंदी पढ़ाओ या उर्दू पढ़ाओ उसको शरद चंद चटर्जी उतना ही मालूम थे जितने की बंगाली को, टैगोर का प्रोज उन्हें इतना ही मालूम था जितने की बंगाली को, हिंदी उर्दू। तो वो जो पिक्चरें हम देखते थे न्यू थिएटर की बनी हुई, वो उससे ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे, और इन पे बहुत इन्फ्लुएंस था उसका, इवन राइटर्स पे, हिंदुस्तान के हिंदी उर्दू के राइटर्स पे न्यू थिएटर के पिक्चर ने इनके कॉलेज डेज में बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो लेकिन अब जो है वो जब लिटरेचर से ही ताल्लुक हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप दूसरी एथॉस की और दूसरे कल्चर की जो पिक्चर देखेंगे तो आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। और हुआ ये है कि अब ऐसी फिल्में बनती हैं जो सबकी हैं और किसी की नहीं है जी। और जैसे मनी कॉल जैसे डायरेक्टर भी हुए जिन्होंने अपना एक अपनी एक ज़ुबान बनाई फिल्मों की और अपने हिसाब की फिल्में बनाई, वो फिल्में पसंद हुई, अपना एक अदब डेवलप किया, ये ज़रूर सही है कि बहुत कम। हाँ, मैंने सुना है कि ऑडियंस में तीनों ने पसंद की। तो ये जो मुश्किल है जावेद साहब, तो इसका इल्ज़ाम हम समाज पर, ऑडियंस पर ही डालें क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे हैं, या ये भी होता है कि आप अगर अच्छा बनाएंगे नहीं और आप सिर्फ पब्लिक को कैटर करेंगे तो फिर वो सिचुएशन जो है कि लेट्स नॉट शिफ्ट ब्लेम्स। फैक्ट ये है कि ये एक टीम है सोसाइटी, उसमें सिनेमा भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें बिजनेस भी है, उसमें एकेडमिक भी है। ये जहाज डूबेगा तो सब जाएंगे नीचे, जहाज अगर तर जाएगा तो सब उधर जाएंगे। तो ये सवाल नहीं है कि तुम्हारी गलती है मेरी गलती है, सभी की गलती है, तभी तो ये गड़बड़ हो रही है भाई। तो उसमें कौन किसे ब्लेम करे उससे मतलब नहीं है और उससे फ़ायदा नहीं है, हमको दरअसल सबको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, उसके बाद ऑडियंस से भी पूछूंगी, यहाँ पे तमाम लोग हैं जो बाज़ौक हैं, बातचीत करना चाहेंगे इस पे कि 1941 में एक तरह से गालिब की का दाखिला हुआ था फिल्मों में, गालिब के शेर व शायरी इस्तेमाल होनी शुरू हुई उसके बाद, तो वो भी 1941 में जी शायद गालिब का मैं कहीं कल पढ़ रही थी अगर मेरे पास होगा, ये 1941 में गालिब आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक ये इस्तेमाल हुआ फिल्म में। किस फिल्म? ये मुझे इस वक्त यहाँ पे ध्यान नहीं है पर ये लिखा था, और उसके बाद गालिब बहुत सारी और जगह पे भी इस्तेमाल हुए फिल्मों में। कहने का मतलब ये है कि गालिब जैसे शायर भी इस्तेमाल हो रहे थे फिल्मों में, उसके बाद जो है
वो दर्जा जो है वो इतना गिरता चला गया कि अब ये है। तो एक वो दौर था जिसको आप गोल्डन पीरियड कहेंगे, तो वो कौन सा दौर था हिंदी फिल्मों में या हिंदुस्तानी फिल्मों में जहाँ पे उर्दू एक मेन स्ट्रीम लैंग्वेज थी, या पाकिज़ा जैसी फिल्में थी, मुगले आज़म जैसी फिल्में थी, बहुत ऐसे आम फहम लफ्ज़ नहीं थे उसमें, पर इस्तेमाल हुए, लोगों ने सीखना चाहा, अगर समझ में नहीं आया मतलब तो कि हम उसको जानें सीखें, तो डायलॉग का गानों का वो मयार भी था। 50s से 60s तक जो गीत है जी, जो डायलॉग है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत खूबसूरत थी। ये दो दहाइयाँ जो है यकीनन बहुत काबिल एहतराम है, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छे राइटर्स हुए और बहुत अच्छा लिखा गया है, नसर भी और नज़्म भी जी उस दौर में बहुत खूबसूरत। उसके बाद ये पाकिज़ा जैसी फिल्म आई जिसके गीत, जिसकी पूरी जो डायलॉग्स, या नहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद बस सब खत्म हो गया, लेकिन जो एक लेवल कांस्टेंट था, जो जिसे कहें कि एक एवरेज, वो बहुत अच्छा था। अब ये जो फिल्में, इसके लिए अब नए वर्ड आजकल नए टर्म्स आ गए हैं तो उसे मैं यूज़ कर देता हूँ, ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल जो अब हो रहा है। और गीतकार जो होते थे वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि अगर आपको पता ना हो तो लोग जानना चाहें, क्योंकि गीत इतने खूबसूरत हैं। आपने एक दफ़ा कहीं कहा था कि अगर अल्फाज अच्छे हों, लिरिक्स अच्छे हों, तो गीत आपके साथ रह जाते हैं। देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि ट्यून जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस है और अल्फाज जो है वो किरदार है, कैरेक्टर है। तो होता यह है कि कोई खूबसूरत सी धुन हो, बहुत उम्दा ट्यून हो, तो आपको अपील तो फौरन करेगी, लेकिन अगर उसके अल्फाज जो हैं वो मामूली हैं, बेमाने हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे उसे। गाना बरसों बाद तो आपको वही याद रहेगा जिसकी धुन ही नहीं या जिसकी गायकी ही नहीं बल्कि उसके अल्फाज भी नहायत उम्दा हो, वरना आपको नहीं। इसी तरह जैसे कि आप एक खूबसूरत आदमी को देखें, खूबसूरत है, अच्छा लगा, अब बैठ के बात की तो इस कदर बेवकूफ़ आदमी है, इरिटेटिंग है, तो आई विल गेट ओवर द पर्सन। तो वो जो है, ये जो कैरेक्टर है वो उसके अल्फाज है जी। अब मैं साहिर साहब जैसे था, आप देखिए, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, इस मीटर में ये भी लिखा जा सकता था, आ जा बालमा, मिल जा साजना, वही मीटर है। तो ये किसी को याद होता आज ये 60 साल के बाद? नहीं होता। जैसे साहिर साहब ने लिखा ना, तो कारवां की तलाश है और या तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बना ले, तो जो लोग तदबीर या तकदीर नहीं भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी गीत इतने अच्छे, इतने खूबसूरत हैं कि आप उसको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। साहिर साहब की, साहिर साहब कहते थे, मैं बड़ा इस मामले में खुशकिस्मत हूँ, ये सारे बड़े राइटर, बेदी साहब, कृष्ण चंद्र, इसमत चुगताई, साहिर, मजरू, इन लोगों से मेरा इतना कैफी जानसा रखता, इन लोगों से इतना एक्सपोजर, इनके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, इनसे सवाल किए हैं, इनसे बहस की है, और वो टॉलरेट कर लेते हैं, अच्छा चलो भाई कह रहा है तो सुन लो, बच्चा है। तो साहिर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखो, गाने में क्या है कि दोनों लाइनें समझ में आए ज़रूरी नहीं, अगर आदमी को एक लाइन समझ में आती है तो दूसरी लाइन के माने कुछ निकाल लेता है। और ये बिल्कुल सही बात है जी। मतलब उन्होंने तो ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हैं कि हैरत होती मुझे, और हिट गानों में, निगाहें मिलाने को जी चाहता है सुपर हिट गाना है। अब उसमें एक जगह है, जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई जी, वो घड़ी मेरे लिए शौक की तमहीद हुई। शौक की तमहीद, ये तो मतलब एफ ए में बच्चे को पढ़ाते थे, तमीज क्या होती बेटा है, मगर वो चलता था। और आपके जब आपने फिल्मों में गाने शुरू किए लिखना, तो कोई कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने एक तरह से एक यार्डस्टिक आपके सामने रखा था और आपके ऊपर बहुत असर था उन लोगों ने? मुझे किसी एक का मैं असर नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपको अजीब बात बताऊँ कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी पोइट्री में भी अगर किसी का असर है तो शायद कृष्णचंद्र का है, जो प्रोज राइटर थे, मैं उनका बहुत एडमायर रहा हूँ और उनको मैंने बहुत पढ़ा है। मुझे उनके पैराग्राफ ज़बानी याद हैं, जैसे लोगों को शेर याद होते हैं उस तरह से उनके पैराग्राफ भी याद हैं। तो लेकिन ये कि मेरे दिल में बहुत एहतराम है साहिर साहब का। साहिर साहब देखिए, काम
छोटे बड़े नहीं होते, करने वाले छोटे बड़े होते हैं। बड़ा आदमी जब छोटे काम को भी हाथ लगाए तो बड़ा हो जाता है काम। जी। तो साहिर ने फिल्म के गाने को कैजुअली और लापरवाही से नहीं लिया, बहुत संजीदगी से और बड़ी मेहनत से लिखते थे। और उनके कितने गाने हैं जो मैं आपको तहतुल लफ्ज़ ऐसे सुनाऊं और आपको लगेगा कि क्या पोइट्री है, उसे गाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने खूबसूरत। जो शैलेंद्र में गुण मैंने देखा, वो जो लिरिकल क्वालिटी मजरूह की है, जो डिग्निटी आपको कैफ़ी के गानों में मिलेगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें जो भी उस्ताद लोग हैं उनमें जिसमें जो जो खूबी है उसको समझना और सराहना चाहिए, और आप उसे अप्रिशिएट कर लें, उसे समझें, तो कुछ ना कुछ उस खूबी किसी न किसी तरह से किसी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से आप में आ जाएगी। आप उसे नकल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे जी, वो भूल जाइए। उर्दू का इस्तेमाल और साथ साथ हिंदी भी, जो आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप कोई ज़ुबान ही नहीं है, ना हिंदी ठीक से बोल रहे हैं, ना अंग्रेज़ी, ना उर्दू। अभी तो ये, अगर आप हिंदी सही बोल लेती है या उर्दू सही बोल लेती है तो इसके मतलब आपकी अपब्रिंगिंग में कोई गड़बड़ है और आप माइनॉरिटी, खानदान अच्छा नहीं है आपका। मुझे नीरज याद आते हैं, नीरज उनमें एक बड़ी खूबी मुझे लगी, मैं पढ़ रही थी कि एक लाइन में बहुत खालिस उर्दू है, अगली लाइन जो है उसमें बहुत हिंदी है, जैसे स्वप्न भरे फूल से, और आगे लाइन आती है कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। तो इतना खूबसूरत और इतना रेंज है कि आप हिंदी भी लिख रहे हैं, पात पात झड़ गए शाख शाख जल गई, तो ये इस्तेमाल करते हैं, गीत अश्क बन गए स्वप्न हो दफन गए, तो ये जो कमाल है कि आप हिंदी और आप उर्दू दोनों बखूबी इतने अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से खैर। आपको एक बात बताऊं, उर्दू का हर अच्छा शायर नहायत अच्छी हिंदी लिखता है जी, हर अच्छा शायर, उसका कंट्रोल हिंदी पे कमाल का होता है। और उर्दू में जो फोनेटिक्स की बहुत वो है, एक ऑलमोस्ट फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड है फोनेटिक्स की तरफ, नहीं ये साउंड ठीक नहीं है, मतलब गालिब का वो शेर है, और क्या बड़ी बात है उस शेर में, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इमकां को एक नक्श पा पाया, कि ह्यूमन एम्बिशन का नेक्स्ट स्टेप कहाँ है, ओ गॉड टेल मी, फॉर द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी इज ओनली इक्वल टू वन फुटप्रिंट। ये इतनी बड़ी बात, ऐसा लगता है स्पुटनिक के चले जाने के बाद शेर लिखा गया है, ये 200 साल पहले का शेर, ये शेर गालिब के दीवान में नहीं है, काट दिया गया। और काट क्यों दिया गया, पापाया साउंड खराब है इसकी वजह से। तो फोनेटिक्स का उर्दू लिटरेचर में, उर्दू पोइट्री में एक बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट वो है टेस्ट के इंतहा। अब ये उर्दू पोएट जिसको ये ट्रेनिंग मिली है, कॉम्पिटेंट पोएट्स की बात कर रहा हूँ, वो जब हिंदी लिखता है तो हिंदी का सिर्फ वही शब्द इस्तेमाल करेगा जो कानों में रस घोले, उसमें कोई ऐसा संस्कृताइज वर्ड जिसमें ड्राइनेस हो, जिसमें थोड़ा सा कड़वापन हो या हार्डनेस हो, वो नहीं करेगा। तो ऐसे इस्तेमाल उसकी चॉइस ही सही होगी, मन रे तुका है न धीर धरे जी, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे तुका है न धीर धरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, देह की पीड़ा मन की अग्नि सब शीतल हो जाए जी, ये उर्दू राइटर का लिखा हुआ है। तो वो तो जब हिंदी लिखेगा उर्दू का कॉम्पिटेंट राइटर, वो ऐसी लिखेगा कि अच्छे अच्छे नहीं लिख सकते जी। और उर्दू जो है वो देवनागरी में भी है जिंदा, देवनागरी के, तो ये भी बहुत बड़ी कि भले ही रस्मुल खत जो है वो उतना ना रहे, और भले ही जो हम तलफ्फुज है उस पर तो बहुत रोना रोते हैं क्योंकि वो बहुत बिल्कुल एक तरह से गायब है, और हिंदी का भी और उर्दू का भी, तो वो एक अफसोस है, लेकिन उम्मीद मैं एक तलफ्फुज की जब बात निकली, मैं एक आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं वरना ये भी सुन लेते जी। कोई बात नहीं अगली बार सही। तो उर्दू के अलावा हिंदुस्तान की किसी और इंडिजिनस लैंग्वेज में फे की साउंड नहीं, एफ की साउंड नहीं, फा है, फा नहीं,
मेरी समझ में ही नहीं आता है. ये तो मेरी समझ में आता है कि एक साउंड जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है वो आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते. टोटली अंडरस्टैंडेबल. मगर मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये पूरा हिंदुस्तान फिर को फिर क्यों कहने लगा है जी. और फूल को फूल. अरे भाई ये साउंड तो तुम्हारी लैंग्वेज में ही नहीं है और जो है उसे छोड़ दिया तुमने जी. नहीं आप बाद में ये बिंदी लगा के फा बनाते हैं जी. वो इनिशियल संस्कृत के जो लेटर्स दिए हैं ये तो संस्कृत से है. देवनागरी तो संस्कृत की स्क्रिप्ट है. उसमें फा नहीं, ये जा के नीचे बिंदी लगा के जा करते हैं या फा फा का ये सब. तो मगर जो साउंड आपकी है फा आपने उसे छोड़ दिया. हर आदमी फिर बोल रहा है. मतलब मैंने तो एक लाइन सुनी, आप सोचेंगे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ये मैंने सचमुच आपके ही शहर में सुनी है. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो शक नहीं. कह रही थी कि मैं बोल रही थी पप्पू को बलून मत फुला, नहीं फुला बलून. अब बलून तो जाहिर बैलून से थोड़ा छोटा होता है. मैं कह रही थी पप्पू को बलून नहीं फुला, नहीं फुला, नहीं फुला. फूंकता ही रहा, फूंकता ही रहा, फूंकता रहा, फट गया. और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप में से माइक की जरूरत है किसी को? आप में से कोई कुछ बात कहना चाहेंगे? जी आतिया साहब जी. नहीं वो तो वो अलग है, वो एक्स्ट्रा नहीं लगाते, गलत जगह लगे. वो तो मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कहा कैसे हैं जावेद साहब. ये मैंने बहुत बार सुना है. कबाब खाइए, मुझे कबाब भी ऑफर हुए हैं. अच्छा अब ये देखिए, ये तो नॉन उर्दू वालों का प्रॉब्लम, लेकिन उर्दू वालों का भी एक प्रॉब्लम. जी जी. वो प्रकाश कह ही नहीं सकते. प्रकाश ने ऐसा कहा और प्रदीप भी साथ में था. समीता पाटिल इनका. अच्छा आप देखिए, ये जो प्रकाश उर्दू वाला बोलता है वो पंजाबी बोलते हैं. वजह क्या है? मैं सोचता रहा ऐसा क्यों. एक्चुअली पंजाबी तो जनरेशन्स ने उर्दू ही पढ़ी है. अच्छा उर्दू लिखते पढ़ते थे. उर्दू में आधा राह है ही नहीं तो भाई या तो पूरा या निकाल दो. तो या तो प्रकाश हो सकता है या प्रकाश होगा, बीच का रास्ता नहीं है. तो वो जो आया धर्मेंद्र जितेंद्र, ये उर्दू से आया इनमें जी. आप में से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? और से माइक जी उतर दे. जावेद साहब, हमारे यहाँ बवाल है, वो हिंदी में बवाल हो चुका है जी. हाँ जी. तो मैं कहानी के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग आपके हवाले से और उस वक्त में बदली जब आप लोगों ने एंग्री यंग मैन लेके आया. चोपड़ास थे, उससे पहले कपूर्स थे, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं मंटू बेदी का आपने जिक्र किया. पंजाबियत गालिब आई फिल्म के ऊपर अचानक. इससे पहले बंगाल का जो असर था, लखनऊ का असर था, साहिर और आप, वो टूटा शिद्दत के साथ. और उसके बाद पंजाब वालों ने फिल्में बनानी, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट की पंजाब वालों ने खुद. और अभी तक हमारे यहाँ जो पंजाब फिल्म में है, पंजाबी कल्चर, पंजाबी रिवाज, फिल्म ख़त्म होती है तो पंजाब के साथ, और वो पंजाबी एक आप कह लें लाइफ जो है वो लगातार फिल्म के ऊपर गालिब आई है. और मैंने आप ही का एक लेख पढ़ा है जिसमें आपने ये कहा था कि बंगाल अपनी इंटेलेक्ट की वजह से फिल्में दे रहा था सत्यजीत रे के बाद और बाकी बिमल राय वगैरह, लेकिन जब ये पंजाब की तरफ आई तो एक, अभी तक आप देख लीजिए करण जौहर क्या कर रहे हैं. तो ये जो हम पंजाब वाले लोग थे, हमने कहीं ना कहीं फिल्म को ख़राब किया, या पंजाबी जो कमर्शियल फिल्म लेके आए, और आपने लगातार इन लोगों के साथ काम किया, तो इस बारे में आपकी वजाहत. देखिए एक तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि पंजाबियों ने ख़राब कर दिया. जो बी आर चोपड़ा थे, कृष्ण चोपड़ा थे, ये भी पंजाबी लोग थे. साहिर जिनकी हम तारीफ़ कर रहे हैं वो भी पंजाबी सॉन्ग राइटर थे. ओपी नैयर और एम दत्ता भी पंजाबी. नहीं ये सब सबके कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए. और कृष्णचंद्र भी पंजाबी थे, और राजन सिंह बेदी भी पंजाबी थे, जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में दस्तक भी उन्होंने बनाई और लिखी है, और सत्यकाम जैसी फिल्म लिखी है, कृष्णचंद ममता जैसी फिल्म लिखी है. ऐसा नहीं है. हुआ क्या है कि ये कमर्शलाइज हुआ है.
जब कमर्शलाइज हुआ है तो आप उन्हें केटर करते हैं जिनके पास पैसा है। अब मुझे अफसोस है कि पंजाबियों के पास ज़्यादा पैसा है और जो डायस्पोरा में भी असर जो होता है वो पंजाबी का होता है, तो लिहाजा वो उस डायस्पोरा को प्लीज करने को और जो मल्टीप्लेक्स है उसे प्लीज करने को, जो ऑडियंस आती है उसे करते हैं। अब आप दूसरी बात देखिए, ये सब क्लाइंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पहले धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इस तरह मनोज कुमार, ये हीरो दे वर मेन। आप देखते हैं जो आपके हीरोज हैं वो लड़के लगते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अब इस जनरेशन में 19 से 22, 23, 24 साल के बच्चों की जेब में इतने पैसे आ गए कि वो आके पिक्चर देखते हैं एंड दे आर द बिग ऑडियंस। तो अब अगर ऑडियंस यंगर है तो भैया हीरो को भी यंगर करो ताकि वो उनसे इन सिंक रहे। तो ये सारे जो है ये मार्केट प्रेशर है, ये ऐसे हवा में नहीं होते हैं। उसके बाद अब आप बंगाली बोल रहे हैं तो कालिदास एक डायरेक्टर थे, साजिश बनाई थी उन्होंने, शक्ति सामन जिन्होंने हावड़ा ब्रिज बनाई थी ये भी तो बंगाली थे। आपको सिर्फ बिमल रॉय क्यों याद आ रहा है? उन्होंने भी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, वो ऐसी ही बनाई हैं जैसे कोई और बनाता है जी। तो उसको आप इस तरह से कास्ट सिस्टम में ना बांटिए, ये इकोनॉमिक है सब, तो मार्केट हावी है। आप कोई और एक और माइक यहाँ देंगे प्लीज सर, सवाल मैं जानना चाहूँगा सर, आप जब हम आप माइक तो आपका चल नहीं रहा है तो आप उसे खामखा पर आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है तो आप पूछिए, माइक तो एक तकल्लुफ है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अब जो इंडस्ट्री में ये जो तब्दीली आई है इससे मुझे लगता है कि ये आपसे ज़्यादा फरमाएंगे कि राइटर हमारा कहीं गायब हो गया, मतलब मालूम ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ताकत जो है चंद हाथों में सिमट रही है। इस भी पे गौर कीजिएगा जी। पर जावेद साहब आप क्या दौर में आपने कहा कुछ अच्छे सॉन्ग राइटर जैसे इरशाद कामिल हैं, अच्छे गाने तो उनका नाम आप जानते हैं, कोई गीत आपको अच्छा लगा तो आप जानना चाहेंगे कि किसने लिखा? मुझे बहुत इरशाद कामिल पसंद है, मुझे बहुत फख्र है उस पर बहुत, और बड़े अजीब हालात में भी अच्छे काम कर रहा है। और बल्कि मैंने तो एक दिन घर दोनों मियाँ बीवी को बुलाया भी था और मैंने उनको एक मोबला पेन भी प्रेजेंट किया उनके काम के लिए, इसलिए कि ही जेनुइनली डूइंग गुड। और हिंदी पोएट, हिंदी में उन्होंने पीएचडी की है और रेंज उनका ये है कि वो भागे रे मन भी लिखते हैं, वो कुन फाया कुन भी लिखते हैं और मतलब आज के दौर में मेरे ख्याल से एक रेंज है उनके और अगल बगल भी लिखते हैं, अगल बगल भी लिखते हैं जी। जरूरी है आपके पास ये सारा हुनर हो। हाँ आप तो वो बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने ये भी लिखा कि तेरे संग इश्क तारी है, बहुत सारे इंटरव्यूज में उनकी बहुत तारीफ की है जी। एक है स्वानंद करके, स्वानंद करके लिखता है ये अच्छे लिखते हैं। लेकिन ये कि देखिए आप एक बात समझिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि वो जो है ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ऐसे गाने क्यों नहीं आते? तो मैं उनसे पूछता हूँ ये गाना जिंदा जला दूंगा मैं आ सकता है? एक पिक्चर जिसका टाइटल हो जिंदा जला दूंगा उसमें गाना आ सकता है? अरे भाई गाना जो फिल्म का है वो नैरेटिव का हिस्सा होता है, जब कहानी ऐसी बनेगी जो मौका देगी ऐसी सिचुएशन का तो लिखेगा ना आदमी उसमें। वो कैसे लिखेगा हनीमून ट्रेवल्स में वो सुबह कभी तो आएगी कैसे लिखेगा? पर अब क्या होता है धुन पहले बन जाती है गानों को लफ्जों को उसके ऊपर फिट करना पड़ता है या नहीं, गाने होता, होते भी होता था, वो पहले भी होता था धुन बहुत सारी। शैलेंद्र ने अपने मेरे ख्याल से 99% गीत जो है वो उस ट्यून पे लिखे होंगे जी, जी। साहिर ने अक्सर बाद में तो उन्होंने छोड़ दिया था ट्यून पे लिखना, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो जिस
गानों ने उन्हें मशहूर किया है, उनमें से अक्सर ट्यून पे लिखी। जी एक मुझे याद आया अभी आवारा के आखिर में, ओ बसंती पवन पागल, उसकी उसका धुन उस और गाना उसके बाद बहुत बाद में बना शायद। जी हाँ, साल जी, बाद तो ट्यून पे लिखना देखिए ये भी एक काम है जी, और जिसे आता है उसे कोई झंझट नहीं होता, उसे कोई दुश्वारी नहीं होती। वैसे भी आप चलिए खुद ही लिख रहे हैं, तो जब आपने पहली लाइन लिख ली तो अब तो आप कैद हो गए, अब तो आपको इसी मीटर में चलना पड़ेगा। तो शायरी आपको, अब गज़ल लिख रही हैं आप, अब आपने मतला लिख लिया तो तय हो गया कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है। तो अब तो आपके साहब ये तो बड़ी पाबंदी आ गई मुझ पर, लेकिन जबान पाबंदी में ही जब जाती है तब शायरी बनती है जाके, उसका तो एक अपना क्राफ्ट है, वो तो आपको निभाना पड़ेगा। सही कहा आपने, क्योंकि कितने कुछ खूबसूरत गीत हैं। आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी, कोई मिसाल ये देखिए, ये मशहूर शायर की लिखी हुई नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली हसरत जयपुरी की है जी, ये शंकर जयकिशन है। आप मुझे साहिर का आप अच्छा नहीं 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 वो सही है, मगर आप जो जैसे साहिर है, आप साहिर का कोई गाना बताइए मुझे जिसमें ऐसी गलती हो। आप वक्त लीजिए, सोचिए जी, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको नहीं मिलेगा। एक सवाल यहाँ से, माइक आप नहीं मिलेगा, उसके बाद आप माइक आगे। साहिर क्या ये गलती आपको नहीं मिल सकती, पूछिए। और गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, हज़ार से ऊपर तो गाने मैंने भी लिखे हैं, मेरे किसी गाने में बता दीजिए। सर आपने कहा कि 50s और 60s के मूवीज़ को आप एडमायर करते हैं, कि आपको लगता है कि अच्छा लिटरेचर वहीं पर इस्तेमाल हुआ, तो आप फरहान और जोया की मूवीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो लोग आपके पास आते हैं कि अबू जान क्या ठीक है या नहीं है या क्या करना चाहिए? जी देखिए, वो मुझे अपनी स्क्रिप्ट हमेशा देते हैं पढ़ने को और मेरी राय भी लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय पूरी मानी जाए। तो उसमें से जो उनकी मर्ज़ी होती है वो मान लेते हैं, जो नहीं मर्ज़ी होती नहीं मानते। मैं उस पर फिर बहस भी नहीं करता भाई, ठीक है, और मैं तब तक राय देता नहीं हूँ जब तक वो मांगते नहीं। जी आप माइक यहाँ प्लीज़ आगे देंगे, यहाँ से एक सवाल। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँ, अभी सवाल जिन साहब ने किया था जी, वो एक नहायत उमदा और बड़े शायर है, और कल मैंने इनसे जो गज़लें सुनी तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी गज़ल सुनाने की, मैंने नज़्में सुनी। कुछ शब्द हैं जिनको अब मैं बुलडोज़र शब्द कहती हूँ, आपको उनसे अब डर नहीं लगता कि दोनों लैंग्वेज की ऐसी की तैसी कर रहे हैं? अभी हाल के दो शादियों में जो हादसा हुआ, कल परसों की बात है, वो सोचने की बात है कि ये जो शब्द देकर के आए हैं कि सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया या बेबी को बेस पसंद है, ये जो लफ्ज़ हैं वो न उर्दू की तरफ है न हिंदी की तरफ है। अभी इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार का नाम लिया नगमा ने, नीरज जी का जी। मगर ये मेरा मानना है, जावेद भाई चाहे तो उसको मना कर सकते हैं, कि बहुत बार ऐसा भी हुआ जब कमर्शियल जगह जाकर के गीतकार बैठता, चाहे जाना माना हो चाहे शायर हो, वो भी लिबर्टी लेता है। किस बात की? वैसी नहीं, इस बात की कि भाई मीटर में जिस लैंग्वेज का शब्द घुस जाए, घुसा दो, गीत पूरा हो जाएगा। इसीलिए जो तुमने कारवां गुजर गया गुबार देखते हुए जहां तुमने कहा उस हिंदी वाली लाइनों का जिक्र किया, मैं नीरज जी को बहुत अदब से बात कहती हूँ, लेकिन लिबर्टी उन्होंने भी ली, और वो लिबर्टी बहुत दिनों से ली जा रही है, इन्होंने अपना भरा उन्होंने अपना, लेकिन ये जो लिबर्टी ली जा रही है उससे दोनों ही लैंग्वेज का खात्मा होगा। और इन दोनों ही शादियों में झगड़ा हुआ क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस बेबी का, ये असैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया, तो हरियाणवी शादी थी परसों की बात है, सरपंच के घर के तो खड़े हो गए, बोले ब्रेकअप क्या है, बोली ये ब्रेकअप जब छूट जाए तो लठ लेके खड़े हो गए, बोले अब फेरा भी कोना पड़ेगा, तो ब्रेकअप पहले बोल दी। और इसी तरह बेस पसंद में उन लोगों को पता नहीं था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बेस। बिल्कुल, एक ऐसे जो ये बुलडोजर शब्द आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि इससे दोनों ही लैंग्वेज खत्म हो जाएगी? जी इन्होंने अपनी बातचीत में लिबर्टी, कमर्शियल, बुलडोजर, तो मैं गीतकार थोड़ी हूँ। आप अपनी ज़बान में कमर्शियल की भी एक हिंदी है, लिबर्टी की भी हिंदी है, और एंटर की भी हिंदी है, आपने नहीं इस्तेमाल की, आपने अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उस वक्त जब आप कह रही कि हिंदी में हमें अंग्रेज़ी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी वक्त
اب میں ایگزیکٹلی بول رہا ہوں, آپ نے وہ استعمال کیا, وہ ہماری زبانوں میں گھس گئے ہیں یہ لفظ, آپ کیا کریں گے؟ اور اس میں جب آپ اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہو تو اس کا ایک کامک افیکٹ بھی ہوتا ہے. اگر اسے آپ ہندی میں بریک اپ کو ٹرانسلیٹ کر دیں گی تو گانا سیریس ہو جائے گا, پھر یہ جو ہے ہریانوی پوچھیں گے بھی نہیں لٹ مارنے سے پہلے, ابھی بریک اپ کا جو پوچھا نا انہوں نے پھر نہیں پوچھیں گے. تو اس کا ایک فنی افیکٹ ہے. لیکن جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے, جب آپ اس پہ اعتراض کر رہی تھیں تو آپ نے پانچ الفاظ استعمال کر دیے. کہنے کا مطلب, اگلا سوال آپ جی پوچھیں, اور چونکہ بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کچھ, تو تھوڑا اگر سوال مختصر رکھیں تو اچھا رہے گا. جی, سلیم جاوید کی جوڑی بہت مقبول جوڑی, اور الگ ہونے کے بعد سلیم صاحب کا قلم ہمیں خاموش نظر آیا, جاوید صاحب کے قلم کی رفتار اور ماشاء اللہ زور قلم اور زیادہ. آپ اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بہت شوق سے آپ کو کل سے ہی سن رہے ہیں اور سننا چاہتے بھی ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے, اس مقام پہ آ کے, اتنا سب کچھ پانے کے بعد؟ آپ کسی ٹی وی چینل سے ہیں؟ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں جرنلسٹ ہوں. جی, ہم نے یہ بولا چھوڑ دیا, کاپی رائٹ ٹی وی چینل کے پاس ہے. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سوال شادی بیاہ ارتھی جلازہ ہر جگہ ایوارڈ پہ استعمال ہوتا ہے, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایسے دیکھیے, آپ لوگ کی محبت آپ کا کرم ہے, لیکن یہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ایسا کوئی قیامت نہیں ہے جگہ, آپ آنا چاہیں آپ آ کے بیٹھ جائیے. یہ اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں لوگوں نے, کیا کیا اچیو کیا ہے, کیا کیا دنیا کو دیا ہے, ہم کیا ہے. اب وہ ٹھیک ہے, دوپہر گزر جائے گی, کافی ہے. جی جاوید صاحب, چونکہ وقت کم ہے, مطلب وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے, بہت زیادہ نہیں, اس لیے اور سوال نہیں لے سکتے. میں آپ سے ایک آخر میں بات جاننا چاہ رہی ہوں, ایک منٹ سر, ایک اس کے بعد بات کر لیجیے گا, کہ آپ نے جو اتنے سارے گیت لکھے ہیں, آپ نے ابھی بتایا کہ ہزاروں کی نمبرز ہیں ان کے, مجھے ساتھ ساتھ فلم کے تمام گیت آپ کے لکھے ہوئے بہت پسند ہیں, اور بہت خوبصورت ہیں. یہ بتا دے مجھے زندگی, یا پیار مجھ سے جو کیا تو کیا پاؤ گی, اور وہ جو خوبصورت گانے ہیں بہت بہت عمدہ ہیں, وہ بھی آپ نے لکھے ہیں. اب آج آپ اور بھی گانے لکھتے ہیں, تو آپ کو اپنے کون سے گانے سے تکلیف ہوتی ہے لکھنے میں؟ کچھ ایسے بھی گانے جو آپ نے مجبوری میں لکھا ہو, مارکیٹ کے اس میں لکھا ہو, اور وہ گانے جو آپ کے دل سے پسند ہیں؟ دیکھیے, آپ مانیں نہ مانیں, میں نے اپنی زندگی میں اتنی فلمیں چھوڑی ہیں, اور بڑی بڑی فلمیں, بڑے بڑے پروجیکٹ, کہ یہ میں نہیں لکھوں گا. اور بہت معمولی سی بات پہ, کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک لائن نہیں لکھی جو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی, میں پکچر لکھوں یا آپ کسی اور سے لکھا. ایک زمانہ یہ ٹیز میں بڑے زو مانے گانے آتے تھے ڈبل میننگ کے, اب ڈبل میننگ چھوڑا تو ایسے گانے لکھنے لگے اس میں ایک میننگ بھی نہیں ہو, یا ادھر یا ادھر. تو میں نے تو نہیں لکھے, میں پکچر ہی چھوڑ دیتا تھا, یہ آپ کسی اور سے کرا دیجیے, میں نہیں کروں گا. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, کئی پکچر ہیں جس میں آپ دیکھیں گے میرے تین گانے ہیں, تو وجہ یہ ہے کہ پکچر تو میں نے پوری سائن کی تھی, لیکن پھر کہیں جا کے بات اٹک گئی, ایک گرامیٹیکلی. اب کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے گرامیٹیکلی غلط, ارے صاحب بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے, یہ آپ ایسے استعمال کر لیے. پہلے تو جب وہ میرے پاس لائن لے کے آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لائن لائے ہو کہ اس پہ گانا لکھ دیے, یہ لائن رہے. کہتا بھائی اگر تم مجھے لائن دے دو گے, ورڈ بھی تم مجھے دے دو گے, کیوں تو دے ہی رہے ہو, سچویشن بھی دے رہے ہو, ورڈ بھی دے رہے ہو, تو تم مجھے پیسے کس بات کے دے رہے ہو؟ تو اب مجھے تمہارا کچھ تو کام کرنا پڑے گا, گھر میں کوئی پلمبنگ کا پرابلم ہو, الیکٹرسٹی کا کچھ ہو, تو کچھ تو کام بتاؤ مجھے, یہ تو تم کر رہے ہو میرے لیے. تو میں یہ سب لفظ بھی نہیں لیتا ہوں کہ یہ اکثر ہوتے ہیں, یہ بڑا رواج ہے کہ ایک مکھڑا لے کے آئے, باقی گانا لکھ دیجیے, یہ ہے مکھڑا, وہ آپ کسی اور سے کرائیے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ یا گرامیٹیکلی غلط ہے, تو میں یہ گرامیٹیکلی غلط ہے تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہو, تو اس پہ میں چھوڑ دیتا ہوں, جہاں مجھے لگے یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ گڑبڑ ہے تو چھوڑ دوں. تو ایسے میں تو اب بہت کم گنجائش بچتی ہوگی جاوید صاحب, بہت کم گنجائش فلموں میں, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہوا. جی, تو یہ جو یوتھ ہیں, جو خدا ہیں آج کے, وہ ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے کہ یوتھ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہندوستانی سینما, بتاؤں جی, ہاں
زندگی میں آپ چاہے ہسبینڈ وائف ہوں, چاہے آپ پارٹنرز ہوں, چاہے دوست ہوں یا بزنس میں ہوں, چاہے پڑوسی ہو, چاہے رشتہ دار ہو, تھوڑا بہت ایک دوسرے سے ہم سب ایڈجسٹ کرتے ہیں جی. صرف اپنی مرضی تھوڑی دونوں زندگی میں چلتی ہے, وہ آپ کر لیجئے اگر جہاں تک ہو سکے. یہ آدمی جو آپ سے کہہ رہا ہے مجھے ایسا چاہیے ویسا چاہیے, اگر آپ کر سکتے کر دیجئے جی جس حد تک, لیکن جو آپ کی بنیادی ویلیوز ہیں, جو آپ کے بنیادی سنسکار ہیں, اگر اس کو چوٹ لگتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہو. جی تو آخر میں اس پوری بات چیت کو آپ یہاں پہ تھامنا ہوگا, پر اردو زبان یا اردو شاعری جو وہ ہے وہ ہندوستانی سنیما کے پردے پہ اس وقت اب کہاں پا رہے ہیں اس کو, مطلب کس مقام پہ ہے وہ, کیا اپنی جگہ واپس بنا رہی ہے کچھ لفظ؟ اس وقت زبان جو ہے وہ بہت خستہ حالت میں ہے, سنیما میں بھی, سنیما سے باہر بھی, اور اسے آپ کو دونوں جگہ درست کرنا پڑے گا. ایک جگہ درست نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پورے بدن میں بہت تیز بخار ہے, ایک کام کیجئے لیفٹ ہینڈ ٹھیک کر دیجئے جی, پاسبل نہیں. وہ تو جو پورے بدن میں ہے تو پورے بدن میں ہے. وہ صاحب کہاں چلے گئے جو کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں آخری سوال وقت میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ کو پھر کے والے مسئلے پر بات کر رہا تھا جی, کیونکہ تکلیف آپ کی تو ہے, آپ کے ساتھ اور بھی ہم جیسے لوگوں کی بھی تکلیف ہے. تو میں اس نتیجے پہنچاؤں کہ یہ کہاں سے آیا, یہ جاننے کی کوشش کی میں نے, یہ پبلک اسکول سے آیا ہے اور وہی انگریزی طبقے کا کنٹریبیوشن ہے یہ, کیونکہ انگریزی میں ایف بھی ہے اور پی ایچ بھی ہے, لیکن جتنے الفاظ پی ایچ سے لکھے جاتے ہیں بولے وہ ایف سے جاتے ہیں, فوٹو پی ایچ او ٹی او, لیکن بولتے ہیں فوٹو. تو وہ فا جو ہمارا ہے اسی چکر میں فا ہو گیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ پبلک اسکول میں جائیں تو یہ مسئلہ وہاں ضرور اٹھائیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بھی, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت اس سیشن کے لیے اتنا ہی ہے. تو شکریہ آپ تمام لوگوں کا سننے کے لیے, اس بات چیت میں شامل ہونے کے لیے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا.